रोक से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। जिले भर में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, साथ ही सभी अधिकारी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। बनास नदी में भी तेज बहाव हो रहा है। देर रात 30 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। तो देखिए, मौसम मुसीबत बना हुआ है प्रशासन के लिए। भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट अब पूरे जिले में जारी किया गया है। टोंक में हालात बेहद खराब है। तेज बारिश की चेतावनी के बाद जिले भर में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं, हालात पर नजर बनाई हुई हैं। देर रात आपको बता दें कि 30 लोगों को बनास नदी में तेज बहाव की वजह से जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया था। तो बड़ी खबर टोंक से है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी दी है, लिहाजा तैयारियां प्रशासन की पूरी है। एहतियातन 12वीं तक के स्कूलों की आज छुट्टी रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द की गई है ताकि अधिकारी अपने काम को सही तरीके से अंजाम दें, व्यवस्था बनाए रखें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की भी अधिकारियों को मनाही है। कलेक्टर सौम्या झा ने यह आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिले में तेज बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। 12वीं तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज फिर तेज बारिश के साथ रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में टोंक जिले में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है। कल एक दिन की बारिश में जिले भर के सभी बांध लबालब हो गए हैं। कलमंडा, होलोलाव और राम सागर बांध है वो ओवरफ्लो पर है। राम सागर बांध की पाल टूटने के बाद लावा गांव में पानी भर गया है। ऐसे में पीपलू और मालपुरा इलाके में हालांकि कई गांव में पानी भर गया है, लेकिन रात भर बारिश नहीं होने के बाद जल भराव है वो कुछ कम हुआ है। देर रात यहाँ बनास नदी के नीचे कुछ युवक फंस गए थे। करीब 30 के करीब युवक हैं, वो देर शाम तक यहाँ पिकनिक मनाने आए और अंधेरा होने के बाद नदी में बहाव तेज होने की वजह से यही फंस गए थे। ऐसे में सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे और एक एक करके, जैसा कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ एक एक करके रस्सी के जरिए ऊपर खींचा गया। और ये बनास नदी है जो परसों तक सूखी थी, आज इसमें तेज बहाव आया है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टॉक। देश भर में मानसून के आते ही कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। असम में 56 लोगों की जान चली गई, तो उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां से लगातार सामने आ रही हैं। देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गांव डूब चुके हैं, 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने पहुंचे।
ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वहां दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और झरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास बने टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए। इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात ये रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है।